तो देखो वैसे मैं उल्टे काम बड़े कम करता हूँ, बट आज का व्लॉग भी देखो आधे रास्ते से शुरू कर रहा हूँ और उल्टा काम भी अभी कर रहा हूँ। तो भाई फाइनली बात ऐसी है कि हमारी जो स्कार है ये वापस आ चुकी है, हमने इसे वापस रिटेन कर लिया, मतलब वापस बाय बैक कर लिया। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी क्योंकि 3 दिन से मेरे को लगातार नींद नहीं आ रही थी, फिर मेरे को एक होता है ना मौका मिल गया इसे वापस लेने का, देन आई बॉट इट बैक। और भाई फाइनली हम जिस जगह पे आ रखे हैं कहीं सुंदरबनी में ही है, यहाँ पर वाटरफॉल है, छोटा सा नाम का वाटरफॉल है आर्टिफिशियल, और यहाँ पर हमें वाटर क्रॉसिंग करने के लिए जगह मिल गई है। तो अभी हम अपनी बाइक देख लो, आगे पानी है, पानी के अंदर से लेके पहाड़ जानी है और वहाँ पर आराम से नहा पाएंगे। और साथ में नाक्स रोहित और नीरज भैया हुए निकलेगी इधर से, इन्होंने ऑलरेडी एक ड्यूक फंसा दी है भाई, चलो आपको दिखाता हूँ। ये क्या किया है? और रुक जा, रुक जा, रुक रुक रुक, पानी देखो एकदम साफ है, पानी मस्त जगह है ना, मस्त भैया बिल्कुल मस्त। तो अभी इस पानी, इतना साफ पानी है, इसमें नहाने का ही मजा आएगा। और पानी है भी ठंडा यार, चिनाब इतना नहीं है बट स्टिल ठंडा है। जहाँ से आने दो, सेंटर से आने दो, आने दो। पानी इतना ज़्यादा गहरा है नहीं जितना हमें एक्सपेक्टेड था, मतलब कम ही उससे गहरा है। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो ये हमारी बाइक है ठीक है, और GoPro हमारा वाटरप्रूफ है इसलिए हम पानी के अंदर से आपको मेजरमेंट करके दिखा देते हैं। ये देखो अब शायद माइक से आवाज़ ना है बट हाँ अंदाज़ा लग गया होगा आपको। भाई गर्मी बड़ी ज़्यादा है, तो एक खास चीज़ कि ये डायरेक्टली माउंटेन वाटर आता है भाई, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें ये जगह मिलने नहीं वाली, तो ढूंढने की कोशिश भी मत करना वरना नॉक से अपॉइंटमेंट ले लो, ये आपको जगह के बारे में बता देगा। मज़ा आया कि नहीं इस जगह? बहुत बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नीरज आपको ये पता नहीं कौन सा जुत्सु चला रहा है, फिलहाल एकदम शांत हो रखा है, नेचर एनर्जी इकट्ठा कर रहे हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यू नो ये बाकी सारे लोकल्स वगैरह हैं यहाँ के, बट हम यहाँ पर पर्सनली विजिट कर रहे हैं। एंड ये देख, करना क्या चाहते हो? ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हो क्या चीज़ है? मास्क तो उतरा ही हुआ है भैया, भैया इनका इनका कोई और सीन है यार, इनका YouTube पे चैनल है, अपना फेस नहीं दिखाते किसी को। हाँ अभी फेस रिवील, तो अभी एक चीज दिखाता हूँ, ये पानी देखो कितना साफ है, अगर तुम्हें सही तरीके से देखना है तो तुम्हें अंडरग्राउंड देखना पड़ेगा, तो चलो दिखा देते हैं आपको। पता आवाज़ वगैरह तो तुम्हें आ नहीं रही होगी, बट यार पानी काफ़ी ठंडा है, इतना ठंडा नहीं है कि आप बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली हम चिनाब में जब नहाते हैं ना तो वहाँ पर पानी इतना ठंडा होता है कि तुम 2 मिनट भी वहाँ पर रुक नहीं सकते भाई। तो फिलहाल यही है, तो चलो चलते हैं पानी के अंदर। और गाइज हमें यहाँ पर एक पोकेमोन मिला है, अब हम उस पोकेमोन को पकड़ के लाएंगे। साइड हो जाओ यार, कख नहीं कर दायरा, और भैया कैसे हो? साला हमसे चलाक निकला पोकेमोन। अच्छा वो है, तो वही देखो अभी केकड़ा पकड़ा जा रहा है, तो केकड़ा हम दिखाते हैं कि कहाँ पे है। चलो चलो भाई, ये रहा केकड़ा, जूम करके दिखा देंगे आपको, यहाँ पे तिरछी नजर से जा रहा है वहाँ पे, ये इसको पहले खतरे का एहसास। तो गाइस अभी हमने प्रॉपरली नहा नहू लिया और अब हमारा टाइम है बाइक्स को साफ करने का, और साफ करने के लिए बहुत तगड़ी जगह हमारे पास, ये देख रहे हो खुला पानी यहाँ से आ रहा है, और ये हमारी सारी बाइक। हाँ डेमो दे दो, आ दो, ये देखो भाई ऐसे ही नहा लेते हैं, मतलब मजे हो गए अब तो। रुको मैं आगे से दिखाता हूँ तुम्हें, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है यार इसका,
तो देखो अभी बाइक्स वगैरह हमारी आ चुकी हैं बाहर, अभी फिलहाल हमें भी ठंड लग रही है। तो ये व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे यूट्यूब पे डालना है, जस्ट रैंडम ऐसे ही आए थे बाहर, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। और अब देखो बाइक्स कितनी प्यारी लग रही है, ये अपनी वाइपर, वो आगे रोहित की बाइक है, इसका नाम क्या रखा है, रॉबिन, रॉबिन। और ये है भैया हमारी कार, तो अभी हमारे पास ही रहने वाली है, शी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छे से वीडियो में।